गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स जुई और मैं हूँ जुई। सो इन दिस वीडियो में आपके साथ जो फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके फेस पे रिंकल्स है, अगर आपके फेस के जो स्किन है वो बहुत ही लूज हो गया है, यानी कि अगर आपकी एज है 25 ईयर्स और आपको दिखने में लगता है 30 ईयर्स, तो ये जो वीडियो यानी कि जो मैं फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ वो आपके 100% इफेक्टिव होने वाली है। ये फेस मास्क आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उसे बहुत ही अच्छे से टाइटन करता है और आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है। और ये फेस मास्क गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही है और ये सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए सुइटेबल है। और इस फेस पैक की सबसे खास बात यही है, ये फेस पैक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है और जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको बहुत ही आसानी से किचन में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करके हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री है, और इसके साइड पे एक छोटा सा बेल आइकन भी होगा उसे भी आपको कर देना है हिट, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और इस फेस पैक के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक व्हाइट, और एक व्हाइट के लिए हमें मैं एक को फोड़ के उसका जो व्हाइट हिस्सा है उसे अलग कर रही हूँ। और यहाँ पे हमें टोटल एक व्हाइट लेना नहीं है, हाफ एक व्हाइट लेना है। अगर आप टोटल एक व्हाइट लेते हैं तो आपको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो आप यहाँ पे हाफ एक व्हाइट ले लीजिए। और अब हमें इसमें 1.5 टीस्पून शुगर ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे शुगर के बदले में हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से लगभग 10 मिनट्स तक मिक्स करना है, जब तक ये टोटली इस तरीके से फोम के तरह हो ना जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक स्पून के मदद से इस फेस मास्क को उठाया, बट ये इतना आसानी से गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है हमारे जो फेस मास्क है वो टोटली रेडी है। तो चलिए इसे अब मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। फेस पैक को लगाने से पहले हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं रोज वाटर से मेरे फेस को क्लीन कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे फेस वॉश से फेस को अच्छे से क्लीन करके फिर पैड ड्राई करके इस फेस मास्क को यूज कर सकते हैं। और इस फेस पैक को अब हमें टोटल फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, सिर्फ हमारी जो आईज है उसके आसपास के एरिया और होठों को छोड़ के। इस फेस मास्क में मैं एग व्हाइट का इस्तेमाल किया क्योंकि एग व्हाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो स्किन के टिश्यूज को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है और स्किन की जो पोर्स होते हैं उसे भी काफ़ी टाइट करता है, स्किन को टोन करता है और एक्ने और रिंकल जैसे प्रॉब्लमों को ठीक करता है। एग व्हाइट स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही साथ स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। इसमें मैं शुगर का भी इस्तेमाल किया क्योंकि शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड है जो एजिंग स्किन को बहुत ही अच्छे से ठीक करता है और शुगर हमारी स्किन की जो पोर्स है उसे भी काफ़ी हद तक टाइटन करता है। सो इस फेस पैक को हमें टोटल फेस पे अच्छे से लगा के 15 मिनट्स तक वेट करना है। 15 मिनट्स के बाद जब ये फेस मास्क थोड़ा ड्राई हो जाए तब आपको बहुत ही अच्छे से फिंगर टिप्स के मदद से जेंटली 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है। अगर आपके फेस की स्किन ज़्यादा लूज नहीं है तो आप इस फेस मास्क को हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके फेस की स्किन कुछ ज़्यादा ही लूज हो गया है तो आप इस फेस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई कीजिए। क्योंकि इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम की ज़रूरत होगी, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो आप इस फेस मास्क को रात में सोने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक मसाज करने के बाद इस फेस मास्क को अच्छे से नॉर्मल पानी से धो के आपका कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लीजिए। सो गाइस इस फेस मास्क को आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, ये फेस मास्क बहुत ही अच्छा है और इसका जो रिजल्ट है वो आपको पहले यूज पे ही इंस्टेंटली देखने के लिए मिलेगा। सो एक बार ट्राई करना तो बंद ही है। सो गाइस अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं एक नई यूट्यूबर हूँ। सो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के बिना मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।